एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले एट्रल फिब्रिलेशन के बारे में। हार्ट के रिदम की बीमारियों में ये सबसे कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट धबकारी का प्रॉब्लम है, जो दुनिया भर में काफी लोगों में प्रेवलेंट है, काफी ज्यादा लोगों में मिलता है। और उम्र दराज पेशेंट्स में ये धबकारा की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा लोगों में देखने को मिलती है। ये बीमारी को डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये रिदम की प्रॉब्लम अगर किसी को एक बार हो जाए और अगर वो ध्यान ना दे तो बार बार तकलीफ देती है, लाइफ लॉन्ग तकलीफ देती है। और कई बार इससे रिलेटेड अगर हार्ट से कोई क्लॉट निकल के ब्रेन में चला जाए तो व्यक्ति को लकवा हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। और इसका ये जो कॉम्प्लिकेशन है वो मैनेज करना कई बार बहुत मुश्किल भी होता है। इसलिए एट्रल फिब्रिलेशन के बारे में कॉमन व्यक्ति के लिए जानकारी होना जरूरी है। और आज हम बात करने वाले हैं ये रिदम डिसऑर्डर किस बेसिकली किस तरह के का है, इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है और इसके मैनेजमेंट में किस तरह की स्ट्रैटेजीज होती है, क्या क्या दवाइयों के प्रोटोकॉल से लगभग, उस बारे में हम आज बात करेंगे। बेसिकली हार्ट में चार चेंबर होते हैं, दो ऊपर के चेंबर, दो नीचे के चेंबर। नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम हार्ट का जो है वो साइनस नोड नाम की एक ग्रंथि से उस करंट निकलता है और एवी नोड यानी हार्ट की दूसरी ग्रंथि वहां पहुंचता है। उसके बाद हार्ट के नीचे वाले चेंबर यानी वेंट्रिकल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और करंट वहां पे छोटे छोटे पुरकिंजे फाइबर्स रहते हैं जिससे हार्ट की पूरी स्नायु में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। हार्ट का एट्रल फिब्रिलेशन वाली जो बीमारी है इसमें ये एक बेसिकली एक अरिथमिया है, यानी कि नॉर्मल जो हार्ट का रिदम है उसके बदले किसी अबनॉर्मल जगह से रिदम आने लगता है। यानी कि जो साइनस नोड जिससे नॉर्मली करंट आना चाहिए उसके बदले ये ऊपर वाले चेंबर यानी एट्रिया उसमें मल्टीपल पॉइंट से छोटे 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 करंट के वेव आने लगते हैं। और ये करंट के वेव्स इतने ज्यादा संख्या में, इतने ज्यादा नंबर्स में रहते हैं कि हार्ट की गति को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली करंट जो साइनस नोड से आता है उसकी गति निर्धारित होती है, वो बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हार्ट रेट अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, अपने आप को मॉड्यूलेट कर लेता है। नॉर्मल हार्ट की गति 60 से 100 के बीच में रहती है। इससे बहुत ज्यादा गति तभी होती है जब बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जैसे हम चलते हैं, दौड़ते हैं या कोई मेहनत का काम करते हैं तो गति बढ़ती है। लेकिन एट्रल फिब्रिलेशन में क्योंकि करंट मल्टीपल पॉइंट से आने लगता है, बहुत सारे जगहों से करंट आने लगता है, तो इसलिए कई बार हृदय की गति को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है और ये गति 200-250 या उससे ज्यादा भी एक मिनट में हो सकती है। ऐसा होने पर कई बार हार्ट में जो ब्लड का प्रॉपर फ्लो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, हार्ट में जो ब्लड बढ़ना चाहिए जिसे डायस्टोलिक फिलिंग कहते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और कई बार इतना ज्यादा गति से धड़कने की वजह से एक तरह से कहें तो हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट एक तरह से थक जाता है, तो वो इतना रैपिडली बीट नहीं कर पाता और पंपिंग धीरे धीरे करके डिटोरिएट होने लगता है। इसे टैकीकार्डियोमायोपैथी कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि ये हार्ट वाइब्रेट एक तरह से करता है तो हार्ट में जो ब्लड के क्लॉट्स है या ब्लड के फ्रैगमेंट्स है वो जमने लग जाते हैं और कभी कभार ये हार्ट में से कोई क्लॉट अगर निकल के ब्रेन में जाए तो लकवे की बीमारी या बॉडी की बाकी नलियों को भी बंद कर सकता है। तो एट्रल फिब्रिलेशन एक बहुत कॉमन अरिथमिया है, बहुत ज्यादा उम्र दराज लोगों में ये बीमारी काफी कॉमनली देखी जाती है और काफी प्रॉब्लमैटिक भी है। सही समय पर सही तरह से अगर इसे मैनेज किया जाए तो इसे काफी हद तक रोका या कंट्रोल किया जा सकता है और व्यक्ति की लाइफ को ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसी भी की जा सकती है। लेकिन अगर इसके साथ नेग्लिजेंस किया जाए तो फिर ये लॉन्ग टर्म में व्यक्ति को हमेशा प्रॉब्लम देती है और कई व्यक्तियों का हार्ट पूरी तरह फेल भी हो सकता है, इससे जान भी जा सकती है। बेसिकली एक तरह से कहा जाता है कि इरेगुलर रिदम्स यानी हार्ट में जहां ये धबकारे की प्रॉब्लम इरेगुलर टाइप की होती है, एक कोई सामंजस्य या सिंक्रोनी मेंटेन नहीं करती, कभी आती कभी कम होती, इस तरह से अगर इरेगुलरिटी होती है तो उसमें एट्रल फिब्रिलेशन को सबसे कॉमन माना जाता है। यानी इरेगुलर रिदम्स में एट्रल फिब्रिलेशन सबसे कॉमन टाइप का अरिथमिया है। ये बीमारी उम्र दराज लोगों में ज्यादा देखी जाती है क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है हार्ट का कंडक्शन सिस्टम जो नेचुरल सिस्टम है वो धीरे धीरे करके खराब होने लगता है और ये मल्टीपल छोटे छोटे साइड्स से करंट आना चालू हो जाता है, ये मल्टीपल साइड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये हार्ट के रिदम को डिस्टर्ब करने लगते हैं। यंग पेशेंट्स में ये ज्यादातर अगर किसी को वाल्व की बीमारी हो जिसकी वजह से हार्ट का साइज बढ़ जाता है या किसी को जन्म से कोई विकृति हो जैसे हार्ट में कोई छेद हो या कोई होल हो, वैसे केसेस में जहां हार्ट का साइज बढ़ जाता है या कोई और इन्फेक्शन या हार्ट अटैक की वजह से अगर हार्ट डायलेट हो जाता है या कंडक्शन सिस्टम डैमेज हो जाता है तो वैसे केसेस में एट्रल फिब्रिलेशन ज्यादातर देखा जाता है। अदरवाइज ज्यादातर हम ये मानते हैं कि एट्रल फिब्रिलेशन उम्र दराज लोगों की बीमारी है। इसका प्रेवलेंस कोई क्लियरली निर्धारित नहीं है लेकिन माना जाता है कि 2-5% उम्र दराज लोगों में ये बीमारी एट्रल फिब्रिलेशन वाली देखी जा सकती है।
इसके रिस्क फैक्टर्स में जैसे कि हमने बात किया, एज सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई हार्ट की बीमारी है, स्ट्रक्चरल डिजीज जैसे कि वैल्वुलर प्रॉब्लम्स, कोई हार्ट का होल्स वगैरह, हार्ट अटैक्स है या कोई और रिदम रिलेटेड अगर हार्ट प्रॉब्लम्स है, कभी कभार कंडक्शन सिस्टम पहले से ही खराब होता है जिसे सिक्स साइनस सिंड्रोम बोलते हैं, इस तरह की बीमारियों में एट्रल फिब्रिलेशन ज्यादा देखा जाता है। उम्र की वजह से जो कंडक्शन सिस्टम खराब हो जाता है तो एक तरह से हार्ट का इंसुलेशन खराब हो जाता है, इसके लिए मल्टीपल जगह से वेवलेट्स आना चालू हो जाते हैं और हृदय गति अनकंट्रोल वे में हो जाती है। अल्कोहलिक पेशेंट्स में कभी कभी एट्रल फिब्रिलेशन देखा जाता है क्योंकि अल्कोहलिक पेशेंट्स जब सडनली बहुत ज्यादा अल्कोहल ले लेते हैं, इसे बिंज अल्कोहलिक ड्रिंकिंग बोलते हैं, तो सडनली धबकारा अनियमित हो सकता है और इसमें एट्रल फिब्रिलेशन डेवलप हो सकता है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं। ज्यादातर ये फॉरेन पेशेंट्स में जहां जिनको हैबिट्स होती है कि सैटरडे या वीकेंड इवनिंग्स पे वो बहुत ह्यूज अमाउंट्स में अल्कोहल ले लेते हैं, तो कभी कभार नेक्स्ट डे वो सडन पैरालिसिस या एट्रल फिब्रिलेशन के साथ उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, जिसके जो एट्रल फिब्रिलेशन की वजह से होता है। इस टिपिकल सिनेरियो या सिंड्रोम को हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं। ये अल्कोहल के साथ एसोसिएट होता है, ज्यादातर रिवर्सिबल होता है, और अगर हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कुछ इंजेक्शंस दिया जाए या कई बार ट्रीटमेंट ना भी किया जाए तो भी ऑटोमेटिकली एक दो दिन में नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कई बार ये डेंजरस भी हो सकता है। इसके अलावा एट्रल फिब्रिलेशन के रिस्क फैक्टर्स में रूमेटिक हार्ट डिजीज काफी कॉमन है। ये हार्ट के वाल्व की एक इन्फेक्शन वाली बीमारी है जो ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में देखी जाती है। इसके रिगार्ड्स में एक अलग वीडियो हमने किया है जिसका जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये बीमारी भी काफी कॉमनली एट्रल फिब्रिलेशन के साथ एसोसिएट रहती है, और सबसे बुरी चीज ये है कि इस बीमारी के साथ जो एट्रल फिब्रिलेशन होता है उसमें क्लॉट होने का चांस या ब्रेन में क्लॉट जाने का चांस सबसे ज्यादा होता है। यानी इसमें जो एट्रल फिब्रिलेशन है, क्योंकि वो वाल्व्स को डैमेज करता है और क्योंकि हार्ट में खिंचाव बहुत ज्यादा होता है, तो वैसे केसेस में क्लॉटिंग का चांस बहुत ज्यादा होता है, और इस तरह के पेशेंट्स को एक वर्ष में कम से कम 1-2% लोगों को डेंजरस फॉर्म ऑफ पैरालिसिस या क्लॉटिंग हो सकती है जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। एट्रल फिब्रिलेशन का सबसे कॉमन सिम्टम या सबसे कॉमन पेशेंट को जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि सडनली उनकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, सडनली उनको थकान या कमजोरी लगने लगती है, सांस फूलने लगती है, गति हार्ट की बढ़ जाती है, कभी कभार लोगों को ये गति बढ़ी भी जो है वो पैल्पिटेशंस के फॉर्म में महसूस होती है, कभी कभी उन्हें सरदर्द वगैरह भी होने लगता है। सडनली अगर किसी का हार्ट ज्यादा फेल हो जाए तो बीपी कम होना, किडनी फेल होना या इस तरह के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। कुछ कुछ पेशेंट में पहला मैनिफेस्टेशन लकवा भी हो सकता है जिसमें हार्ट से कोई क्लॉट ब्रेन में जाए, और डायरेक्ट पेशेंट अगर अनफॉर्चुनेट कोई पेशेंट है तो डायरेक्ट लकवे के साथ भी हॉस्पिटल आ सकता है। कभी कभी अगर हृदय की गति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो अनकंट्रोल वे में कंडक्ट करने लगता है हार्ट का चैनल्स, खासकर कुछ लोगों को अगर एक WPW सिंड्रोम करके बीमारी होती है जिसमें हार्ट में अबनॉर्मल चैनल जन्म से होता है, तो इसमें करंट कंडक्शन सिस्टम इतना फास्ट और इतना अनकंट्रोल हो जाता है कि गति 400-600 बीट्स पर मिनट तक भी जा सकती है और इसमें व्यक्ति की सडन मृत्यु हो सकती है। तो एट्रल फिब्रिलेशन ऐसे लोगों में कुछ ज्यादा डेंजरस माना जाता है। एट्रल फिब्रिलेशन की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमने बात की। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कॉम्प्लिकेशन है हार्ट फेल होना, लकवा होना, हार्ट से क्लॉट शरीर के दूसरे हिस्सों में जाना, कभी कभी सडन मृत्यु भी हो सकती है। ये सबसे कॉमन एट्रल फिब्रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो ज्यादातर लोगों में देखे जाते हैं। जो एट्रल फिब्रिलेशन से रिलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, जो हार्ट फेल होने की बीमारी है, उसे टैकीकार्डियोमायोपैथी कहते हैं। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि हार्ट एक तरह से बहुत ज्यादा बार बीट करने की वजह से हार्ट की मसल एक तरह से थक जाती है, हार्ट डायलेट हो जाता है। लेकिन इसमें डिफरेंशिएट बाकी बीमारियों से ऐसे कर सकते हैं कि इसमें हार्ट की दीवारें पतली नहीं पड़ती और कंपैरेटिवली ये बहुत इजीली रिवर्सिबल होता है। ज्यादातर पेशेंट्स में अगर हृदय की गति को आप कंट्रोल कर लें या सिंपल हार्ट फेलियर का थेरेपी थोड़े दिन भी अगर पेशेंट को दें तो इससे पेशेंट की जो हार्ट फेलियर है उसको काफी हद तक नॉर्मल किया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म पेशेंट का सर्वाइवल इस तरह की बीमारी में काफी अच्छा है। ऑन एन एवरेज 15-20 दिन तक भी अगर आप अग्रेसिवली पेशेंट को थेरेपी दें तो ज्यादातर पेशेंट्स में हार्ट की पंपिंग में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट भी आ सकता है और कई पेशेंट्स की पंपिंग पूरी तरह से नॉर्मलाइज भी की जा सकती है। तो टैकीकार्डियोमायोपैथी जो ये है एट्रल फिब्रिलेशन के केसेस में काफी पेशेंट्स में देखा जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह कि काफी हद तक रिवर्सिबल है, यानी परमानेंट डैमेज नहीं करता ये हार्ट को, और इसे अप्रोप्रिएटली मैनेज किया जा सकता है। अगर हृदय की गति को हम सिर्फ कंट्रोल कर लें, यानी कि हार्ट की जो गति नॉर्मली 150-200 के आसपास पहुंच गई उसको अगर हम दवाओं के माध्यम से 60-70 पर ले आए तो भी हम इस टैकीकार्डियोमायोपैथी को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, और कंपैरेटिवली इसमें जान जाने का रिस्क, क्लॉटिंग होने का रिस्क या
कोई बड़े ऑपरेशन या ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ने का रिस्क इस फॉर्म ऑफ कार्डियोमायोपैथी में कम रहता है। ये किसी भी उम्र के पेशेंट में देखा जा सकता है, बहुत यंग से लेकर बहुत एजेड पेशेंट्स में भी देखा जा सकता है। जिस भी व्यक्ति में एट्रियल फिब्रिलेशन कुछ दिनों तक परसिस्ट हो जाए उसमें टैकीकार्डियोमायोपैथी देखा जा सकता है। कुछ और तरह के रिदम डिसऑर्डर्स भी हैं जिसमें कई दिनों तक अगर गति कंट्रोल ना हो, जैसे कि एट्रियल टैकीकार्डियास, उसमें भी टैकीकार्डियोमायोपैथी देखा जा सकता है और उसमें भी हार्ट फेलियर हो सकता है। कभी कभी पेशेंट जब इस बीमारी के साथ बहुत लेट स्टेज में हमारे पास आते हैं तो हार्ट इतना ज्यादा फेल हो जाता है कि उनका बीपी बहुत लो हो जाता है, हार्ट बिल्कुल एंड स्टेज पर पहुंच जाता है, तो वैसे केस में कई बार पेशेंट को बचा पाना पॉसिबल नहीं भी होता है। बेसिकली एट्रियल फिब्रिलेशन को मैनेज करने की दो स्ट्रैटेजीज है, या तो हम रिदम को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें या सिर्फ गति को कंट्रोल करने की कोशिश करें। बेसिकली ज्यादा अच्छा रिदम कंट्रोल स्ट्रैटेजी को माना जाता है क्योंकि इसमें हम हार्ट की रिदम को जो शॉर्ट सर्किटिंग हार्ट में हो रही है उसी को नॉर्मलाइज कर देते हैं और लॉन्ग टर्म पेशेंट को प्रॉब्लम आने का चांस कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है। कुछ कुछ केस में वापिस से पेशेंट एट्रियल फिब्रिलेशन में जा सकता है, लेकिन जब तक वो रिदम मेंटेन कर रहा है तो उसके लिए ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये रिदम कंट्रोल स्ट्रैटेजी हर पेशेंट में एप्लीकेबल नहीं होती। जिन लोगों का हार्ट बहुत ज्यादा वीक हो गया है, बहुत ज्यादा डायलेट हो गया है, बीमारी बहुत ज्यादा टाइम से अगर है उनको है, जिसे परमानेंट एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, वैसे केसेस में रिदम कंट्रोल स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है और वैसे में आपको सिर्फ गति को कंट्रोल करके काम चलाना पड़ता है। काफी स्टडीज है जो ये शो करती है कि अगर सिर्फ गति को भी कंट्रोल करें तो भी काम चलता है, लेकिन ओवरऑल माना जाता है कि अगर रिदम कंट्रोल हो सके या पेशेंट का रिदम को हम नॉर्मलाइज कर सके तो पेशेंट के लिए ज्यादा अच्छा है। अब हम बात करेंगे रिदम कंट्रोल कैसे करते हैं। सबसे कॉमन तरीका इसके लिए है कि हम पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में एक दिन के लिए या दो दिन के लिए एडमिट करते हैं और एक अमियोड्रॉन करके इंजेक्टेबल मेडिसिन होता है वो हम पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा कुछ टैबलेट्स और भी आती है जैसे फ्लेकेनाइड है, सोटलॉल है, ये मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं रिदम को नॉर्मलाइज करने के लिए। ज्यादातर इन मेडिसिन के से में रिदम के नॉर्मलाइज होने का चांस 70-80% रहता है और ये रिदम जो नॉर्मलाइज होती है वो एक बार अगर मेंटेन हो जाए तो काफी टाइम लॉन्ग टाइम तक पेशेंट का रिदम नॉर्मलाइज रहे, ऐसा भी हो सकता है। पर कुछ कुछ केसेस में रिदम थोड़ी देर के लिए नॉर्मल होके वापस एबनॉर्मल भी हो सकती है, तो इसलिए इस थेरेपी का सक्सेस रेशियो 70-80% से ज्यादा नहीं होता। इसके लिए एडमिशन करने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि इंजेक्शन थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, पेशेंट को साइड इफेक्ट्स कर सकता है। इसके लिए विदाउट ऑब्जर्वेशन या विदाउट मॉनिटरिंग, विदाउट आईसीयू में पेशेंट को रखे ये इंजेक्शन को यूजली नहीं दिया जाता है। इसके अलावा कभी कभी अगर इससे पेशेंट रिदम नॉर्मलाइज ना हो तो एक डीसी कार्डियोवेशन बोलते हैं, जिसे एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक लो वोल्टेज का डीसी शॉक पेशेंट को कुछ पैडल, जैसे डीसी कार्डियोवेशन की इलेक्ट्रिक पैडल आते हैं उसको छाती पर रखकर एक इलेक्ट्रिक शॉक पेशेंट को दिया जाता है, उससे रिदम को एक तरह से नॉर्मलाइज किया जा सकता है, एक तरह से समझ सकते हैं कि हार्ट को रीस्टार्ट किया जाता है। उससे पेशेंट्स को कई बार ये समझाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक शॉक जो छाती में दिया जाता है व्यक्ति के लिए डेंजरस हो सकता है, इसमें जान जा सकती है। ज्यादातर ये पेशेंट को कोई खास नुकसान नहीं करता, थोड़ा बहुत बस पेन होता है, अगर सावधानी पूर्वक ना दिया जाए तो कभी कभार स्किन बर्न्स हो सकते हैं, पर अदरवाइज डीसी कार्डियोवर्जन यूजली डेंजरस नहीं होता है और इसका सक्सेस रेशियो ऑलमोस्ट 80-90% रहता है। जहां पर भी रिदम कंट्रोल पॉसिबल है, वहां जहां चेंबर्स बहुत ज्यादा डायलेट हो चुके हैं या हार्ट बहुत ज्यादा फेल हो चुका है, वहां रिदम स्ट्रैटेजी यूजली कोई भी दवा दे या डीसी कार्डियोवर्जन भी करें तो पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है, रिदम ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाता है। पर जहां भी अगर पॉसिबल है वहां पे पहले इंजेक्शन का ट्रायल देना चाहिए और इंजेक्शन से पेशेंट रिस्पॉन्ड ना करे तो डीसी कार्डियोवर्जन करना चाहिए। ये डेंजरस नहीं है, बहुत रेयर केसेस में कभी कभार थोड़ी बहुत पेन या एलर्जिक रिएक्शंस या कोई भी क्लॉट अगर हार्ट में बना बनाया हो तो ब्रेन में जा सकता है, ऐसे साइड इफेक्ट इसमें हो सकते हैं, पर यूजली 99% ऑफ दिस टाइम ये सेफ होता है, थोड़ा पेनफुल होता है लेकिन सेफ है। ज्यादातर जितना जल्दी ये रिदम का प्रॉब्लम डिटेक्ट हो उतना ये रिदम कन्वर्जन स्ट्रैटेजी को अपनाना अच्छा है। एक बार चेंबर का साइज बहुत ज्यादा डायलेट हो जाए तो उसके बाद उसमें ये थेरेपी वर्क नहीं करती और आप उसके बाद कितने भी मेडिसिन या इंजेक्शन दें या डीसी कार्डियोवर्जन करें यूजली सक्सेस नहीं होता। हार्ट के वायरिंग अगर परमानेंटली डैमेज हो जाए या हार्ट में परमानेंट स्कारिंग अगर हो जाए तो भी पेशेंट का रिदम रिस्पॉन्स नॉर्मल नहीं हो पाता है और अगर थोड़ी देर के लिए नॉर्मलाइज हो भी जाए तो थोड़े दिन में वापस वो पेशेंट एट्रियल फिब्रिलेशन में चला जाता है। इसको परसिस्टेंट या परमानेंट एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं और ऐसे केसेस में हम ज्यादातर मेडिसिन से सिर्फ गति को कंट्रोल करके काम चलाते हैं। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे खून पतला करने की दवाइयां कहती है, कहते हैं ज्यादातर ये जिन लोगों को भी रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनको हार्ट से क्लॉट निकल के ब्रेन में जाने का चांस बहुत ज्यादा होता है
और ज्यादातर अगर हम प्रॉपरली इसको मैनेज ना करें तो वर्ष में 2 से 5% लोगों को सीरियस लकवा होने की वजह से, हाथ पांव की नलियां चोक होने की वजह से सडन सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है, कभी कभी जान भी जा सकती है। तो इसलिए खून को पतला रखना इस बीमारी में काफी ज्यादा जरूरी है। जिन लोग की उम्र बहुत ज्यादा होती है और ब्लीडिंग रिस्क बहुत ज्यादा होता है, वैसे लोगों में हम ये खून पतला करने की दवाई लो डोज में देते हैं या दूसरे फॉर्म ऑफ मेडिसिन जिसे एंटीप्लेटलेट्स बोलते हैं वो देते हैं। पर ज्यादातर यंग पेशेंट्स या जिनको वैल्स की प्रॉब्लम है या हार्ट बहुत ज्यादा फेलियर में है या स्ट्रेस्ड है, वैसे लोगों में हम खून पतला करने के लिए एंटीकोएगुलेंट्स दवा देते हैं। एंटीकोएगुलेंट्स मेडिसिन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि इसमें ब्लड लेवल को आपको एक निर्धारित पतलापन पर मेंटेन करना पड़ता है। इससे ज्यादा पतला हो तो भी डेंजरस, इससे कम पतला हो तो भी डेंजरस। अगर ज्यादा पतला हो जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है, कम पतला हो तो क्लॉटिंग हो सकती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हर महीने एक पीटी आईएनआर करके टेस्ट करना पड़ता है। ये बेसिकली ब्लड कितना पतला है उसको जांच करने के लिए एक टेस्ट होता है। ये हर महीने रिपीट करके एक आईएनआर वैल्यूज आपको मिलती है, वो हमें 2 से 3 या 2.5 से 3.5 के बीच में मेंटेन करना होता है। इससे ज्यादा होना भी डेंजरस है, इससे कम होना भी डेंजरस है। कुछ नई मेडिसिन आई है जिनको न्यूअर एंटीकोएगुलेंट्स बोलते हैं। ये मेडिसिन लगभग काम वैसा ही करती हैं जैसे ये विटामिन के एंटागोनिस्ट करती हैं, बस इसमें पीटीआईएनआर को मेजर करने की जरूरत नहीं होती है। कंपैरेटिवली इनको थोड़ा सेफर भी माना गया है, पर इसमें प्रॉब्लम बस ये है कि थोड़ा सा इनका इफेक्ट भी कम अच्छा होता है और थोड़े कॉस्टली ज्यादा होते हैं, इसलिए रेगुलरली हर पेशेंट में इनको यूज नहीं किया जाता है। सिलेक्टेड पेशेंट्स में ये न्यूअर एंटीकोएगुलेंट्स को हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों में ये एंटीकोएगुलेंट्स नहीं दे सकते वहां खून पतला करने की दूसरी दवा एंटीप्लेटलेट्स दिया जाता है। गति कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये मेडिसिन दी जाती है। जिन लोग को हार्ट फेल हो रहा है उनको यूरिन बढ़ाने के लिए, पेशाब बढ़ाने की दवाइयां दी जाती है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए जो इंटरवेंशन या जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जिन्हें किया जा सकता है। बेसिकली एट्रियल फिब्रिलेशन का अगर रिदम डिसऑर्डर किसी को हो रहा हो तो उसमें एक 3D मैपिंग करके टेक्निक आती है जिसमें हार्ट को के करंट की मैपिंग की जाती है और मल्टीपल जगह पे जहां से करंट की एबनॉर्मलिटीज आ रही है उसको मैप करके उस एरिया को रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से जलाया जा सकता है। ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन वाला जो प्रोसीजर है ज्यादातर एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट्स में 3D टेक्निक से किया जाता है। कुछ सिंपल फॉर्म्स ऑफ अरिथमिया में इसे 2D मैपिंग टेक्निक से भी कर सकते हैं, लेकिन 2D मैपिंग में सक्सेस रेशियो एट्रियल फिब्रिलेशन में उतना अच्छा नहीं मिलता है। ये 3D मैपिंग वाली टेक्निक का सक्सेस रेशियो नॉर्मली 70-80% रहता है। कॉस्ट अराउंड 3-4 लाख जैसा रहता है, इसलिए ये रूटीनली सब केसेस में यूज नहीं करते हैं। जहां पेशेंट को बहुत ज्यादा हार्ट फेलियर हो रहा हो और सिंपल मेडिसिन से या इंजेक्शन से मैनेज ना किया जा सके, वैसे लोगों में इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा जब उनको 3D मैपिंग से भी अगर सक्सेस नहीं मिलता है तो उसमें कभी कभी हम पेशेंट की हार्ट की करंट कंडक्शन सिस्टम को ही जला देते हैं और वहां पे परमानेंट पेसमेकर लगा देते हैं। इसको AV नोड अब्लेशन फॉलोड बाय परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन टेक्निक कहते हैं। इसका सक्सेस रेशियो नॉर्मली 80-90% रहता है और इसमें लॉन्ग टर्म पेशेंट्स को रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। एटलीस्ट गति कंट्रोल हो जाती है, हार्ट फेलियर काफी हद तक मैनेज इसमें किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आने का चांस कम होता है। इसके अलावा कुछ केसेस में हार्ट में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज बोलते हैं, एक जगह से पाउच है जिसमें काफी बार एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट में क्लॉट्स बनते हैं और जब ये लोही का थक्का या क्लॉट वहां पे बनता है तो वो ब्रेन में या कहीं पे भी शरीर के जा सकता है जिससे वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो डिवाइस के द्वारा एक ये जो पाउच है उसका मुंह को भी बंद किया जा सकता है जिसे डिवाइस क्लोजर ऑफ लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज बोलते हैं। ये भी थोड़ा कॉस्टली प्रोसीजर है, रूटीनली यूज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इसको करने से पेशेंट को लकवा होने का चांस कंपैरेटिवली काफी कम हो जाता है। सर्जिकल ऑप्शंस इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ अगर किसी को वैल्वुलर हार्ट डिजीज के लिए अगर सर्जरी हो रही है तो वहां पे सर्जरी करके ये जो एट्रियल फिब्रिलेशन के चैनल्स हैं उनको कट कर दिया जाता है जिसे मेस प्रोसीजर बोलते हैं। कभी कभी अगर किसी को हार्ट के अंदर कोई बना हुआ क्लॉट है तो उसे सर्जरी करके निकाला जा सकता है। लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज को भी सर्जरी करके बंद किया जा सकता है, अदरवाइज इसमें सर्जरी का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। लास्ट में हम बात करेंगे जो एट्रियल फिब्रिलेशन के अलावा रिदम डिसऑर्डर्स है, इसमें एट्रियल फ्लटर यानी ये भी एक तरह का रिदम प्रॉब्लम है जो एट्रियल फिब्रिलेशन से एक स्टेज पहले होता है। एक तरह से मान सकते हैं कि इसमें ये प्रीडिसेसर है एट्रियल फिब्रिलेशन का। ये भी इसका भी मैनेजमेंट भी लगभग सिमिलर है, ये भी एट्रिया से ही ओरिजिनेट होता है और उसमें भी हार्ट एक तरह से वाइब्रेट करता है, हालांकि गति इसमें कंपेरेटिवली एट्रियल फिब्रिलेशन से थोड़ी कम होती है, रिदम थोड़ी सी इसमें कंपेरेटिवली रेगुलर होती है। लास्ट में हम बात करेंगे टॉपिक कॉमन व्यक्तियों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है।
बेसिकली ये टॉपिक कॉमन व्यक्तियों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिदम डिसऑर्डर बहुत ज्यादा कॉमन है और ज्यादातर लोगों को इसका बेसिक मैनेजमेंट नहीं पता रहता है, जिसकी वजह से उन्हें लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स आती है। और जब डॉक्टर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए ये डीसी कार्डियोवर्जन या मेडिसिन या एडमिशन क्यों जरूरी है, तो कई बार उन्हें समझ आता नहीं है। उन्हें ज्यादातर लगता है कि हमें ज्यादा तकलीफ नहीं है तो भर्ती होने की जरूरत नहीं है, या डीसी कार्डियोवर्जन से उन्हें खतरा हो सकता है, तो वो इस तरह की थेरेपीज को अवॉइड करते हैं। तो अगर कॉमन व्यक्ति को इस बारे में जानकारी होगी तो वो अपने बीमारी के बारे में ज्यादा अच्छा डिसीजन ले सकेगा, डॉक्टर से बेटर डिस्कस कर सकेगा और अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट में एक तरह से वो कोऑपरेट करके बेटर डिसीजन करके पेशेंट को बेटर मैनेज कर सकता है।